जयकारे श्री रवाली जी दा बोल साजी दरबार की जय। माँ भगवती आप सब पर कृपा करे, आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करे, आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस कथा को सुनाने जा रहे हैं वो कथा है माँ स्कंद माता की। और स्कंद माता माँ का पांचवा रूप है। पांचवें नवरात्र के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहले ये बात कर लें कि स्कंद माता का नाम, स्कंद माता कब और क्यों रखा गया, क्योंकि जब तक नाम की महिमा समझ में नहीं आएगी तब तक माँ के रूप और माँ से आपको क्या प्राप्ति है इसके विचार भी आपको नहीं आएंगे। स्कंद माता, स्कंद माता माँ पार्वती का एक ऐसा रूप है जिसमें माँ स्कंद की माँ, स्कंद है प्रभु भगवान कार्तिकेय। जब कुष्मांडा माँ का रूप धराया माँ ने और ब्रह्मांड रचाया, उसी समय माँ ने गर्भ धारण किया और इस गर्भ धारण का जब कार्तिकेय प्रभु इस संसार में प्रकट हुए तब उनका नाम स्कंद रखा गया। और क्योंकि माता पार्वती स्कंद की माता हैं इसलिए इनका नाम स्कंद माता रखा गया। कार्तिकेय भगवान का पैदा होना बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जब इस संसार में एक बार ऐसा समय आया कि घोर अत्याचार एक तारकासुर नामक राक्षस धरती पर त्राही त्राही कर रहा था, ऐसे में देवी देवता भगवान माँ भगवती सभी सोच रहे थे कि ये जो कर रहा है इसका अंत कब होगा। प्रभु ने बताया कि मैंने इसको ऐसा वरदान दिया है कि इसकी मृत्यु कोई नहीं कर सकता सिवाय मेरे पुत्र के। और क्योंकि तारकासुर को लगता था कि प्रभु का विवाह कभी होगा नहीं और पुत्र असंभव है, ऐसे में माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान को जन्म दिया और उस कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध लड़ने की शिक्षा माँ पार्वती रूप से पाई। जब माँ ने ये शिक्षा अपने पुत्र कार्तिकेय को दी तो माँ ही ने उनका नाम स्कंद रखा। इसीलिए कार्तिकेय भगवान की माँ को स्कंद माँ कहा गया। पर्वतों पे रहने वाली माँ सांसारिक जीव को जब चैतन्य जागृत होने का वरदान देती है तो वही स्कंद माता कहलाती है। तो माँ बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, उनके पास 9 रत्न ऐसे हैं जो अगर हम सबको हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएं तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। स्कंद भगवान ने तारकासुर का वध किया और इस सृष्टि को कल्याणकारी बनाया। दूसरी ओर माता स्कंद के हम रूप की चर्चा करें, माँ 4 भुजाओं की धारी है, माँ के 2 हाथों में कमल है, माँ ने अपनी गोद में प्रभु कार्तिकेय को विराजमान कराया हुआ है। ये इस बात का भी संदेश देता है कि जगत जननी जिसने संसार को रचाया, जब उसने कार्तिकेय को जन्म दिया तब एक पुत्र और माँ के बीच का अटूट संबंध स्थापित हुआ। हम सब भी माँ की वही संतान हैं। स्कंद माता की पूजा करने से हम सब का माँ भगवती के साथ अटूट संबंध स्थापित होता है। माँ भगवती की पूजा अर्चना के लिए हमें केवल निर्मल भाव को रखने की आवश्यकता है।
छोटी से छोटी पूजा कर कर भी हम माँ की भक्ति को पा सकते हैं। माँ हम सभी को शिक्षा देने वाली देवी भी कही जाती हैं। माँ अम्बा है, माँ जगदम्बा है, माँ आदि शक्ति है, वही माँ स्कंद महामाई है, माँ की सवारी शेर है। किंतु माँ एक और कमल में भी विराजित है, इसलिए माँ भगवती को पद्मासी यानी ऐसे पुष्प में विराजमान वाली देवी कहा जाता है, जिसमें माँ विराजमान है वो कमल का पुष्प है। माँ सभी बच्चों को बहुत सारी शिक्षा का वरदान देती हैं, अपने भक्तों को, अपने साधकों को महामाई जागृत करती हैं, क्योंकि माँ भगवती सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस नाते माँ के पास अपार ऊर्जा है। इस ऊर्जा का रंग पीला होता है, सूर्य का प्रकाश पीला होता है, इसी प्रकार माँ के पास भी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का रंग पीले रंग का और अत्यधिक चमकदार होता है। जब माँ अपनी कृपा से हम साधकों को, हम भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं, तब हमारा मुख भी चमकने लगता है, हमारे जीवन में भी चैतन्य शक्ति जागृत हो जाती है। माँ भगवती को हम धूप दीप फल फूल इत्यादि का भोग लगाएं, लेकिन कहा जाता है कि माँ को फलों में अत्यधिक प्रिय। जब माँ स्कंद माता बनी उस समय माँ ने जिस फल को भोग लगाया वह है केला। केले के भोग से माँ का ये रूप है अत्यधिक प्रसन्न होता है। माँ श्रृंगार करती है, लाल चोले में विराजमान है। माँ अपने और अपने बच्चों को अत्यधिक प्रेम करती हैं। जो भी बच्चे माँ को, माँ जगत जननी माँ को केवल माँ से संबोधित करते हैं, वो माँ के साथ एक अटूट संबंध बनाते हैं। माँ स्कंद माता सभी का कल्याण करने वाली देवी है, और मेरा जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि मैं महामाई के गुणगान को आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, आप सभी माँ की बहुत अच्छे से पूजा करें, माँ की आरती करें, माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। माँ आपको शिक्षा देने वाली देवी है, माँ आपको विद्या देने वाली देवी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माते रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जिस प्रकार कार्तिकेय भगवान को कल्याणकारी कार्य करने के लिए माँ ने शिक्षा प्रदान की, उन्हें शिक्षित किया, उसी प्रकार अगर आप सब भी इस देश का कल्याण करने के बारे में विचार करते हैं, तो स्कंद माता आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं, आपको चेतना, आपकी बुद्धि का विकास करती हैं। माँ सदैव जन कल्याण के कार्य कर रही हैं, निरंतर करती रहेंगी। आप सभी को जय माता दी, आप सभी को जय भोलेनाथ। शिव शंकर भगवान की जय हो।